الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون

या हुक्म दिया और उनकी ये बात सुन करके वाकियाता एहसास हुआ कि जिस गर्ज़ के लिए उन्होंने आपसे मुखातब होने के की दरख्वास्त की वाकियाता वो गरज़ ऐसी है कि उस पर तोज्जो दी जाए और उसी बुनियाद पर इस वक्त आपसे मुखातब होने का मौका मिल रहा है हैप्पी है न्यू ईयर के नाम से दुनिया में जो गंदे काम होते हैं और अब उनको गंदा काम समझा भी नहीं जाता हालांकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब दुनिया की अखलाकियात समाजी अकदार माशरती वैल्यूज़ और खुद इंसानियत के आला सिफ़ात जिन गंदे कामों को गंदे काम समझती रही हैं आज के दौर में उन तारे गंदे कामों का गंदे कामों से निकाल करके पसंदीदगी के नज़र से देखा नहीं जा रहा बल्कि फैलाया जा रहा है और कुरान करीम की वो आयत जिसमें अल्लाह शान शाह फरमा रहे हैं कि कुछ लोग दुनिया में फौजकारी को फैलाने की कोशिश करेंगे इस वक्त आलमी सतह पर तरह तरह के वसाइल के ज़रिए से हर फौज काम को फैलाने की जो मुहिम चल रही है उसके लिए जो चंद मौके इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं में से एक नए साल का मौका भी इसी उनवान से मनाया जाता है जैसे योम आशिकान वेलेंटाइन डे या इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर या नया साल के उनवान लगा करके दरअसल वो सारे बुरे काम करवाने होते हैं जिन बुरे कामों का नतीजा सिर्फ तबाही और एक चीज़ की तबाही नहीं ईमानियात की तबाही अखलाकियात की तबाही इंसानी अवसाफ का खात्मा और माशरती खराबियाँ समाजी बुराइयां आम हो जाए फैल हो जाए फैल जाएं इसी गर्ज के लिए अनवाना बनाए गए हैं इस्लामी एतबार से नए साल की कोई अहमियत नहीं है साल हमेशा साल होता है पिछले साल का हर दिन वैसा ही है जैसे अगले साल का हर दिन होगा ये सारा मौको इस पर है कि इंसानों का अखलाक क्या है इंसानों का किरदार कैसा है अगर इंसानों का किरदार अच्छा है तो पहले साल भी वैसा ही होगा अगले साल भी वैसा होगा नया साल आना को नई चीज़ नहीं है हर रोज नया सूरज निकलता है और हर रोज नया सूरज जो है वो नया दिन लेकर के आता है जिस अल्लाह ने ये कायनात बनाई जिस अल्लाह ने इंसान की जरूरत की तमाम चीजें मुहैया की जो जो अल्लाह रात को लाता है ताकि इंसान आराम करें दिन लाता है ताकि इंसान दिन में अपनी सरगर्मियां चाहे वो दीनी हो चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो माशरती हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे किसी भी एतबार की कोई सरगर्मी वो सारी हो, तो जिस अल्लाह ने ये दिन और रात बनाए उसी अल्लाह ने तकसीम ये नहीं की कि पिछले साल कुछ और था नया साल आ गया तो खुशियाँ मनाओ इसलिए इस्लाम में नए साल बनाने की कहीं कोई अहमियत नहीं है अब नए साल के उनवान पर जो तरह तरह के बुरे काम होते हैं जिनमें शराबें पी जाती हैं जिसमें फजूल ख़र्चियाँ होती हैं जिसमें बदकारियाँ होती हैं जिसमें धोखेबाजियाँ होती हैं जिसमें नाच गाने और डांस होते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि लोग महीनों के तैयारियों के बाद उस एक दिन करोड़ों में ही अरबों रुपये उड़ा देते हैं और जिन जिन बातों का तस्वुर भी करना मुश्किल था वो बातें आम हो जाती हैं तो इसलिए बड़ी दर्मंदी के साथ दरख्वास्त की जाती है कि हम मुसलमान हैं हम अल्लाह को मानने वाले हैं अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं हमारा यकीन है कि मरने के बाद ज़िंदा होना है हमारा यकीन है कि दुनिया में इंसान जो कुछ करता है वो सारा अल्लाह के यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है इंसान का जिसम उसको रिकॉर्ड करता है ज़मीन के जिस खत्ते पर जो काम होता है ज़मीन का वो ख़त् उसको रिकॉर्ड करता है और फरिश्ते अलग से रिकॉर्ड करते हैं यानी चार जगहों पर इंसानों के तमाम आमाल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एक अल्लाह जिला शाह का खसूस अपना इंतजाम दूसरे इंसान का कि जिसमें खुद इस्तेमाल भी होता है और इंसान के तमाम कामों का रिकॉर्ड भी कर रहा है याद रखना चाहिए इंसान का ये जिसम वक्त दो काम करता है एक तो इंसान के कहने पर यह इस्तेमाल होता है और दूसरे अल्लाह के हुक्म की बिना पर तमाम कामों का रिकॉर्ड कर रहा है और कुरान करीम में मुतद्द जगह पर अल्लाह ताला शाह ने ये बात इशात फरमाई कि तुम्हारा जिसम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है बस क्यामल के दिन सिर्फ स्वच ऑन कर देना है और तुम्हारा जिसम सब कुछ बोलेगा जो कुछ भी तुमने किया होगा तो हम हमारा यकीन है कि मरने के बाद जिंदा होना है और अपने एक एक अमल का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है और वह सारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा तो इसलिए शराबें पी जाएं गलत ताल्लुक कायम किए जाएं फजूल खर्चियाँ की जाएं नाच डानस हों ये सारे वो बुरे काम हैं जिन बुरे कामों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं दूसरे किसी मजहब में भी कोई गुंजाइश नहीं अखलाकी तौर पर भी इनकी कोई गुंजाइश नहीं समाजी अखदार के एतबार से भी इनकी कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन इस वक्त चूंकि कुछ तबकों का एजेंडा ही यही है कि ये चीज़ें फैल जानी चाहिए और जब ये चीज फैल जाएंगी उसके बाद फिर जहां ये बुराई फैलेंगी वहां के लोग वहां के लोग दूसरे किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे वो नौजवान नस्ल जो जिनाकारी में शराब खोरी में आवारगी में फौज कामों में फजूल खर्चियों में पैसे उड़ाने में लग गई उसके बाद उनसे किसी ऊंचे काम की तो करना किसी तामीरी, सरगर्मी में उनका हिस्सा लेना मुमकिन ही नहीं है ये तो वो चीज है कि जिस इंसान को ये लत लग गई उसके बाद फिर वो किसी काम के काबिल रहने वाला नहीं है ना उसकी न वो ताली मैदान में कहीं आगे बढ़ेगा ना वो अखलाकी तौर पर कोई आगे बढ़ेगा ना वो कोई खदमी कौमी खिदमत कर सकेगा ना वो दीनी दावा का, का काम कर सकेगा ना वह दी, दीनी और दुनियावी तमाम मैदानों में उसका हाल जो है वो शकस का हाल हो जाता है इसलिए बड़ी दर्दमंदी के साथ दरखास्त की जाती है कि हैप्पी न्यू ईयर के नाम से नए साल के नाम से जो गह का काम होते हैं चाहे जहां होते हों चाहे जिन होटलों में होते हों या जिन सियाहती मकाम पर होते हों उनसे अपने आप को बचाएं। यकीन कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगती है और कुछ लोग समझते हैं कि हमें यह दकीया नसी सुनाई जा रही है याद रखें दियात नहीं है ये फहाशत से बचाने की दावत है ये बुराइयों से बचाने की दावत है और यह भी याद रखें तारीख का वर्क वर्क बताता है जिन कौमों में बदकारियाँ फैल जाएँ और वो बदकारी से अपने आप को पर, अप, को छोड़ने को तैयार ना हो और सरकशी की हालत इख्तियार करें उनको, उनको तबाह किया जाता है खुद यहाँ कश्मीर की तारीख में लिखा हुआ है कि जिले वुलर के दरमियान में एक शहर था जिस शहर का नाम था सदमत नगर और वहाँ इसी तरह की फहाशें होती थी और बाद में वो शहर एक जलजिले के शिकार होकर के और जल्जिले का शिकार होकर के थना हुआ तबाह हुआ और आज भी जिले वुलर के नीचे उस शहर के कुछ बचे खुश आसार मिलते हैं જો લો પાડના ચાહે ઓ તારીખ ખાસમ મે પડ રહે કે કિસ તરહ સે બદકારીઓ કી જગહો પર અલ્લાહ તઆલા શાનુ ફના કર દેતે હે તો ઇસલીએ તમામ વાલદેન અપને બચ્ચો કી સખતી કે સાથ નિગરાની કરે ઓર તમામ નવજવાન લડકે હો યા લડકિયા અપની જવાની કો ઇસ તરહ કે દાગો સે બચانے કી ફિકર કરે ઓર ઇસ આયાશી ઇસ ફહાશી ઇસ ફઝુલ ખરચી ઇસ શરાબ ખોરી ઇસ નાચ ગાને ઇસ મોસીકિયત સે અપને આપકો દૂર રખે યે ઇસ્લામ કા પેગામ હે યે આપકે અલ્લાહ કે તરફ સે આપકા હુકમ હે या आपके नबी की तरफ से आपका हुक्म है या आपकी आखरत आपसे कह रही है कि हमको तबाह मत करो और यह आपकी आपकी जिस्मानी वो वोतें जिन कुतों को अल्लाह ने आपको दिया है ताकि आप बड़े काम कर सकें वो सारी क़वतें आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें बर्बाद न करें बस इसी गज़ के लिए मुख्तसर सी ये दरख्वास्त करनी थी कि कल जब इकतीस दसंबर आखिरी दिन होगा और फिर अगली रात आएगी उस अगली रात में न जाने कितने इंसान शैतान जो हैं वो इसी बुरे काम में फंसाने की कोशिश करेगा कितने इंसानों को अल्लाह शानों का हुक्म है इन या अमर बिल एहसान अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है अदल का रवैया अख्तियार करो एहसान का कर रवैया अख्तियार करो वही या अमर बिलादसान इताजिलकुरबा मुनकर अल्लाह तुम्हें मना करता है फोहश कामों से बचने का अल्लाह तुम्हें मना करता है मुनकर कामों से बचने का फोहश और मुनकर काम यही होते हैं कि इंसान शराब खोरियाँ करे बदकारियाँ करे फजूल खर्चियाँ करे नाच डांस करे हराम को हराम समझे और मस्त होकर अल्ला के अल्लाह के हुक्म को रोनने लगे इस तमाम को फ्वाहश व मुनकर कहते हैं फिर अल्लाह तलामाते हैं यु कम हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं लाअ को मंतज करूँ ताकि तुम सुधर जाओ ताकि तुम संभल जाओ ताकि तुम बच सको और दूसरी आयत में अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं शैतान ये चाहता है कि समाज के अंदर बुराइयाँ फैल जाएँ शैतान ये चाहता है कि लोग गुनाकारों में गुनाहों दु, दु, में डूब जाएं शैतान ये चाहता है कि लोग पैसे को उड़ाएं और सूरत हाल जब यह बनती है तो फिर इंसान कमाने में भी जायज़ व नाजायज के हदूक की परवाह नहीं करता और खर्च करने में भी जायज़ नाजायज के हदूक की परवाह नहीं करता कमाने में दूसरे पर जुल्म करेगा और खर्च करने में भी उनको जिनको नाने शबीना मयसर नहीं जिनको शाम के दो लुकमे मयसर नहीं उनको खिलाने के बजाय अयाशों फाशों पर खर्च करेंगे चुनाचित ताजुब की बात है वो लोग जो लाखों रुपए अपने कुत्तों पर खर्च करते हैं उनके पड़ोस के अंदर उनके समाज के अंदर कितने वो हैं जिनको पहनने के कपड़े नहीं हैं कितने वो हैं जिनके खाने के लिए खाने का इंतजाम नहीं है पर इंसानों पर उन्हें तरस नहीं आता है और जानवरों की अयाशों पर वो इस तरह से पैसा उड़ाते हैं इसी तरह से इस हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर होटलों के अंदर एक एक रात के लिए बीस बीस तीस हजार रुपए देना चालीस चालीस हजार रुपए देना और बुकिंग ना मिलना और उसके बाद फिर वहां जाकर के जो जो कुछ किया जा रहा है सारी फजू खर्ची में है तो अल्लाह अल्लाज हुक्म दे रहे हैं कुलू वला वालाफु खाओ भी पियो में अगर फजूल खर्ची मत करो और फजूल खर्ची अगर जायज़ जगह पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया जाए उसको कहते हैं फजूल खर्ची और हराम जगह पर अब माल खर्च किया जाए उसको कहते हैं उसको फजूल खर्ची नहीं उसको कहते हैं और तब्जीर करने वालों को करन ने कहा इन मुबरीन कानू अखवान शयातीन फजूल खर्ची हराम जगहों पर माल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं अब जाहिर है जो शैतान का भाई उसके अंदर ईमान कहां बाकी रहा उसका किरदार कैसे बाकी रहा लिहाजा वालदे अपनी औलादों की वक्ती खुशी में उनको गुनाहों के दलदल में न ढकेलें ये वाले ये औलादें आपके लिए बल में वबाल जान बनेगी चन कितने घरों का हाल तबाह हाल हमारे सामने आता रहता है उनके औलाद उनके बल के लिए कैसे वबाली जान बनी हुई है और नौजवान खुद अपनी जवानी की हिफाजत की फिक्र करें चाहे नौजवान लड़के हों चाहे लड़कियां हों वक्ती लज्जत के लिए अपने किरदार को बर्बाद न करें अपनी ईमान को तबाह न करें अपने कैरेक्टर को नुकसान ना पहुंचाएं। कामयाब इंसान वो है कि जो नसीहत के बाद सुने अगर हमें से खुदा न खासा कोई इंसान बीमार हो जाए और किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे चेकअप करने के बाद फिर कहता है ये आपको दवाई खानी है और इन चीज़ों से परहेज़ करना है तो दुनिया का को कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि जिन चीज़ों का आप मुझे परहेज़ करवा रहे हैं ये तो मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ाएँ रही हैं ये मेरी फेवरेट डिशें रही हैं मैं उनको छोड़ नहीं सकता अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इंसान पसंदीदा से पसंदीदा चीज़ें छोड़ने को तैयार होता है जो जिंदगी भर मिठाइयां खाता है डॉक्टर कहता है शुगर के लेवल बढ़ गई मिठाई छोड़ दो जो जिंदगी भर तंबाकू पीता रहता है डॉक्टर कहता है आपको कैंसर के असर हैं अब हम इसका तंबाकू हमेशा के लिए छोड़ दो डॉक्टर कहता है डॉक्टर कहते हैं अंडे की जर्दी मत खाओ हमने कितने ही लोगों को देखा अंडे की जर्दी से ऐसे बचते हैं जैसे किसी जहरीली हराम चीज़ से बच रहे हैं हलाल चीज को इंसान छोड़ता है अपनी सेहत को बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पर छोड़ना भी चाहिए परहेज करना चाहिए तो अल्लाह और अल्लाह के नबी जिन चीजों से बचने का हुक्म दे रहे हैं वो तो हराम है तो इंसान छोड़ता है हराम छोड़ के लिए क्यों तैयार नहीं और जब कोई कौन हराम को हराम न समझे और हराम काम को मगन होकर के खुश होकर के और शॉप जज्बे के साथ करने लगती है तो फिर अल्लाह तला की तरफ से कभी खतरनाक फैसले आते हैं और वो खतरनाक फैसले पूरी कौमों को तबाह कर देते हैं और कुरान ने जिन कौमों की तबाही के हालात बयान किए कुरान तारीख की किताब नहीं है मगर इसी गर्ज के लिए बयान किए इंदर इंसान सारा जमाना बता रहा है सारी तारीख बता रही है कि इन कौमों को कैसे तबाह किया गया कौन सी तहजीबें कैसे बिट गई और कौन सी कौमें बुलंदियों की ऊंचाइयों से गिर करके पस्तियों के दलदल में पहुंच गई हैं सब इस्लाम तो दुनिया में इस्लाम दुनिया में हया पागदामी डिसिप्लिन, तहजीब बाखला होने की तालीम देता है और दुनिया में मुसलमान कौम को मिसाली एतबार से बाहिया मिसाली अतबार से महजब मिसाली अतबार से बाखला होना चाहिए कि उनका उनका दिन को यही है और ये ये तालीमा सिर्फ इस्लाम ही की नहीं है हर मजहब यही तालीमा देता है इसलिए अपनी जवानी अपने किरदार अपने ईमान और अपने मालियात अपने मिजाज की हिफाजत करें खूस इस तरह के मौके पर कि जब शैतान आदमी को और नफ्स इंसान को और माहौल और कुछ दोस्त और कुछ साथी और कुछ कंपनियां इस काम में ढकेलने के लिए तैयारियां करती हैं और तरह तरह से करती हैं और लोग चाहते हैं किसी तरह से ज्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फंसे और हमारे पैसे क्यों तो अपने आप को बचाएं बस इसी मकसद के लिए बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त की जा रही है तो, अंदाज बया गति बहुत शौक नहीं है शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात इकबाल ने एक मौके पर कहा था कि बात अगरचे बहुत कड़वी है मगर ये तुम्हारे लिए मुफीद है इसलिए ये मत देखें कि बात कड़वी कही जा रही है बल्कि ये देखें कि बात आपके लिए फायदेमंद है या नहीं अगर आपके लिए बात फ़ायदेमंद है और यकीन फ़ायदेमंद है और अगर किसी के ये बात हजम नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है कि इस इन्फेक्शन की बिना पर अब वो बुराई को बुराई मानने को भी तैयार नहीं है और ये बात भी हमारे नबी जनाब रसोल अक्रम सा ने इसषाफ फरमाई थी उसी हदीस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कई फबिकम्यून्ना तो तगान निसाक फ़साकफ़ितया हकम लोगों उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम्हारी औरतें आवारा हो जाएंगी और तुम्हारे नौजवान फासिक और फाजिर हो जाएंगे के नाम को बड़ा तजुब हुआ यह सुनकर इसलिए उनका, उनका जहनी कबूल करने को तैयार नहीं था कि हमारे मुआरे के अंदर जहां बुराइयां हैं ही नहीं पागदाम है हया है बुराइयों से बचने का मिजाज है हमारी औरतें कैसे का, काबू से बाहर होंगी और हमारे नौजवान कैसे फास्को फाजिल बनेंगे इसलिए साहबा ने बड़े ताजुब के साथ अर्ज किया अब या रसूल अल्लाह क्या ऐसा होगा तो अल्लाह के नबी फरमाए हाँ ऐसा होगा ये जो आप फरमा रहे इसलिए नहीं फरमा रहे कि करो इसलिए फरमा रहे हैं भी बुरा हाल होगा। को हुआ, आपने उस कितना बुरा हाल होगा जब कोई अच्छी बात कहने वाला भी नहीं रहेगा और बुरी बात से रोकने वाला भी नहीं होगा कई फिकुम तरफ तुम अमरूफ तुम्हारा कितना बुरा हाल बन जाएगा जब कोई अच्छी बात कहने वाला भी नहीं होगा और बुरी बात से रोकने वाला भी नहीं होगा तो सहाबा के राम को इस पर भी ताजुब हुआ उन्होंने कहा यार सुना ऐसा भी होगा के ने फरमाया ऐसा भी होगा बल्कि इससे ज्यादा बुरा हाल होगा साहबा को और ताजुब हुआ तो आपने फरमाया उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब लोग बुराइयों की तो दावत देंगे और अच्छाइयों को नफरत के साथ देखेंगे कई फबिकुम इधारूफ मु... मुनकर वल मुनकरा मुन मारूफ आ और फिर रिवायतन बखर सलोली कई फ़बिकम इधारूफ़ मुनकर वाल मुनकर मरूफा उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा कि होने को तो तुम कहोगे ये बुरा है और बदकिरदार होने को कहोगे ये बहुत अच्छा है बाकी बदकिरदारी को तुम पसंद करने लगोगे और बारदार होने को तुम नफरतें नफरतों से देखोगे उनको तुम पस्त ख्याल करोगे उनको तुम दत्यानुषी यही इसका मफहू है आज कभी कभी यही मंजर देखने को मिलता है कि जो आदमी बुराई में डूब रहा है वो समझता है मैं कुछ हो मैं कुछ बन गया और जो बुराई से बचने की फिक्र कर रहे हैं उनको कहते हैं तुम दके अनुसी हो तुम रजत पसंद हो तुम जुम्मन पसंद हो तुम बैकवर्ड हो तुम फलाने हो याद रखना चाहिए बैकवर्ड फारवर्ड सब लफ्जों के धोखे हैं फारवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं है हकीकत यह है इंसान बा किरदार है या बदकिरदार वो जनाकार है या बाया अल्लाह ने इंसान के अंदर जो ताकतें जो कुतें रखी हैं उन ताकतों और कुतों को पूरा करने के वसायल भी रखे हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तुम्हें निकाह करने की जरूरत ही एक करो दो करो तीन करो चार करो जब तुम्हें जरूरत हो मगर बदकारिया मत करो अब आज का माहौल यह है बदकारियां जितनी चाहे करो हलाल निकाह मत करो और अगर करोगे तो तब जब बूढ़े हो चुके हो और दूसरा निकाह करने की जरूरत हो तो हरगिज मत करना मगर बतारी बदकारी मत करते रहो गरज ये कि शराब से जनाकारी से फ्वाहकारी से नाच डानस से और फजूल खर्चियों से अपनी हिफाजत करें अल्लाह के नबी आ सलात की वर्शा के इज़ाद मर फिर एक मरतबा सुने और थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचें कि हमें करना चाहिए या बचना चाहिए और अगर हम बचने को तैयार नहीं हैं तो कहीं हम अपने नफ्स के मारे हुए तो नहीं हैं हम शैतान और नफ्स और माहौल के बिगाड़ का शिकार तो नहीं याद रखना चाहिए दुनिया में तीन चीज़ें इंसान को तबाह की तरफ ले जाती हैं इंसान का नफ्स शैतान और बुरा माहौल इन तीन चीज़ों से लड़ना इंसान की अपनी हिम्मत की बात है और जो इनका मुकाबला करता है वो बुराई से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है मुबारकबादी बहुत मुबारकबादी है उन जवानों के लिए जो इन तीनों से लड़ करके अपनी जवानी को पाक पाकदामा रखें और बहुत हसरत और अफसोस है उनके लिए जो अपनी अपनी जवानी को दागदार बनाएं मगर उसके बाद फिर मुबारक उनके लिए अगर आइंदा के लिए वह अपने आप को बचाएं तो कल की जो रात आने वाली है इस रात में हैप्पी न्यू ईयर के नाम से और नए साल की मुबारकबादी के नाम से जो न गुनाह के काम होते हैं उनसे दूर रहें बल्कि उन जगहों पर ही भी मत जाएँ इन बातों को आपके दिल में उतारें और आपका जहन और मिजाज इसको कबूल करें और अपने कैरेक्टर को बचाने में आप कामयाब हो जाएँ बाखरबिला